नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। संझौली सादगी सौहार्द के साथ थाना में शांति समिति की बैठक, होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। रोहतास से जिला रिपोर्टर है राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। संझौली रोहतास। लंबे मुद्दत के बाद संझौली थाना परिसर में शनिवार को कुशल पुलिस पदाधिकारी का परिचय देते हुए थाना अध्यक्ष कामेश्वर नारायण यादव ने कराया शांति समिति की बैठक। होली पर्व को लेकर क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द स्थापित करने के उद्देश्य से प्रबुद्ध गणमान्य लोगों की थाना परिसर में शांति समिति का बैठक का आयोजन शनिवार को किया गया। बैठक में उपस्थित लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। लोगों ने स्वच्छ पूर्व शांतिपूर्ण सादगीपूर्ण सौहार्दपूर्ण सामाजिक वातावरण में होली का पर्व मनाने का संकल्प लिए। इसी बीच होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। थाना अध्यक्ष कामेश्वर नारायण यादव ने शेर फरमाते हुए कहा कि अरे यार, उस शख्स को तलाशो जो पत्थर शीशा को मुंह बना दे। लाया हूँ साफ करके बंद बोतलों में लहू की दो बूंद, किस धर्म का है कोई डॉक्टर तो बता दे। पूर्व मुखिया प्रत्याशी जनार्दन सिंह ने क्षेत्र में स्वच्छता शांति सामाजिक सौहार्द के बीच होली का पर्व मनाने का बात कही। सामाजिक कार्यकर्ता श्री भगवान सिंह ने भाईचारे के साथ पारंपरिक होली मनाने का बात कही। गणमान्य लोगों से मिले सुझाव एवं आपत्तियों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमुद रंजन ने लोगों से अपील किया कि अफवाहों से दूर रहे, फेक खबरों का खंडन करें, किसी भी परिस्थिति में प्रशासन को लोग का सहयोग करें। प्रशासन लोगों की शांति व्यवस्था के लिए कृत संकल्पित है, किसी तरह की अफवाह सूचना होने पर तुरंत पुलिस एवं प्रशासन को सूचित करें। इस अवसर पर प्रमुख मनोज सिंह, सरपंच उत्तम कुमार, मुखिया सुभाष चंद्र, पैक्स अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, अलख देवराय राय, पप्पू सिंह, रमा शंकर शर्मा, सूरज दयाल चौधरी, रूपन चौधरी, वशिष्ठ पासवान, राम सूरत सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 और मैं हूं जिला रिपोर्टर राजेश कुमार सिंह। इस समय मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड में उपस्थित हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह हमारे जो पीछे है ये संझौली थाना है और यहां पर आज होली समारोह और शांति समिति की बैठक की गई है। आइए जानते हैं कि लोगों के द्वारा क्या क्या यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया। प्रहलाद और उसका भक्ति का श्रेय दिया जाता है। प्राचीन काल में असुर बल जो हिरण्य कश्यप को कहा जाता है, उसको शक्ति था और उसको ब्रह्मा देव का वरदान था। न उसका मृत्यु दिन न रात में होगा, न घर न बाहर में होगा, न आकाश में होगा, न पताल में होगा। उसको शक्ति से, असीम शक्ति से उस राज की जनता लोग, जनता जनार्दन जड़े सहमे रहते थे। जो हुकूमत चलाते थे हिरण्य कश्यप, वही होता था। तो इनका पुत्र प्रहलाद थे। प्रहलाद का ये विष्णु का भक्ति था, विष्णु भक्त था, लेकिन हिरण्य कश्यप जो है विष्णु को नहीं मानता था। सलाम करे, आसमान सलाम करे, सारे वतन का लोगों को, सारा जहां सलाम करे। प्रखंड के माननीय प्रखंड प्रमुख जी, संझौली प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया जी, सभी ग्राम कचहरी के सरपंच साहब, हमारे सभी पैक्सों के पैक्स अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी वार्ड सदस्य, सभी जनप्रतिनिधि, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आप सभी को आने वाले होली त्यौहार की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तरह का अफवाह, गलत न्यूज फैलता है। हम आप सब बहुत तरह के सोशल मीडिया में जुड़े हैं, उनका खंडन करें। कोई भी गलत न्यूज किसी भी इससे हम लोग का नहीं कहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि आज तक संझौली प्रखंड में हम लोग मुस्लिम पंचायत से आते हैं, बल्कि आज तक मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हम आज तक बांटने के किसी काम में नहीं किया है। होली को सम्मेलन तो नहीं है, हमारे गांव में यही होता है कि हमारे पान को बॉल हर एक भगवान खुल जाता है। ये होली सम्मेलन है जी सर, हम यही कर समाज करता हूँ। माननीय अभिभावक चाचा अनिल सिंह जी,
कैथी से चल कर के आए बड़े भाई पप्पू सिंह जी एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तमाम जनप्रतिनिधिगण, शिक्षाविद महानुभावगण एवं मीडिया के बंधुगण, मैं अनिल कुमार जमुहारी अपने शरीर में अवस्थित हृदय से बहुत हम लोग को बहुत महापर्व है, अपनी अपनी बातों को समस्या कर रखें, इसलिए हम लोग बहुत आप लोग को धन्यवाद देते हैं। और इस सब समस्या को लेकर हर गांव आज तक संधौली प्रखंड कभी भी होली मिलन हो चाहे दशहरा हो, हम लोग तो मैंने 8 साल से पटुखी प्रखंड के कर चुके हैं, ऐसा तो अभी घटना हम लोग को समझ नहीं घटा है। इसलिए मैं चाहूँगा सभी जनप्रतिनिधि सभी अभिभावक से कि जैसे हम लोग पुरजों ने मनाया है उसी तरह अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने गांव में उसी तरह को शांति कायम रखें। इन्हीं चंद शब्द होली को सम्मेलन तो नहीं है, हमारे गांव में यही होता है कि हमारे पान खो बॉल हर एक फग में खुल जाता है, ये होली सम्मेलन है जी सर, हम यही कर समाज कर रहे हैं। होली मिलन समारोह आयोजन थाना प्रभारी के द्वारा किया गया, मैं इनको इस आयोजन से इनको साधुवाद देता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रखंड के प्रमुख हमारे सचिव भाई मनोज जी, प्रखंड विकास अधिकारी हमारे कुनहार भाई, हमारे वीडियो साहब और प्रोग्राम पदाधिकारी हमारे, और तमाम प्रिंट मीडिया के लोग, पत्रकार साथी और समाज सेवी, सबका हार्दिक अभिनंदन और होली की शुभकामना। मैं विशेष नहीं कहूँगा, बहुत सारे वक्ता हैं। होली मिलन समारोह तो होइए रहा है सर, लेकिन होली मिलन नाम का है कि होली मन रहा है, लेकिन दिव्य सांदर से दूसरे टाइप का है, है? होना चाहिए प्रेम रहेगा तब ना, खाली ऊपर से प्रेम करने से नहीं होगा, प्रेम नहीं है खाली ऊपर से एगो एक निपटाया जाता है कि आज होली है तो हम होली के निपटाए, इसी तरह ले देह छिपा के हम होते चाहे आप होते देह छिपा के निपटाए। सबसे ज्यादा गांव में जो डीजे बजा के डांस लड़का करता है उस पर ध्यान देना है, तू कभी कहूँ डांस और डीजे ना बजे तब शांति रहेगा, नहीं तो नौजवानों ने सब मचा देता है तंग, सब लोगों बर्बाद हो जाता है। इसी के साथ मैं अपने बारे में